हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फातिमा जीवन ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और खूब सारा पॉजिटिव भी होंगे। आज आपके साथ एक अच्छी रेमेडी शेयर करने वाले हैं। वो रेमेडी ऐसी है जिनके फेस पर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, फाइन लाइन है, स्किन उम्र से पहले लूज हो रही है, उनके लिए बस एक ही रेमेडी से यूज करने से ये सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने वाले हैं। ये रेमेडी ऐसी है कि जो हम बनाने में बहुत ही कम्फर्टेबल है, हमारे घर में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं और बिल्कुल नेचुरल हैं। आइए हम शुरू करते हैं, देखते हैं रेमेडी को कैसे बनाते हैं। इसको जानने के लिए वीडियो में बने रहें अंत तक। अगर वीडियो स्किप कर देंगे तो आधी अधूरी जानकारी नुकसानदायक होती है, इसलिए आइए आपको हम बताते हैं रेमेडी बनाने के लिए हमें क्या क्या लेने की ज़रूरत पड़ने वाली है। हमें चाहिए इसे बनाने के लिए एक खाली बाउल, ट्रांसपेरेंट बाउल हमने लिया है, ये देखिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, आप वीडियो देखते देखते लाइक करना भूल जाते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लिए हैं तो तहे दिल से धन्यवाद। आइए रेमेडी को हम बनाते हैं। देखिए, बनाने के लिए हमने लिया है मुल्तानी मिट्टी, ये देखिए। अगर आपके पास इस तरह मुल्तानी मिट्टी है तो ले लीजिए, अगर इस तरह नहीं है तो आप साबुत ले लीजिए, उसे आप अपने घर में ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लीजिए। लगभग हमें एक चम्मच लेना है, हमें फेस में लगाने के लिए बनाना है, इसलिए हमें ज़्यादा पैक नहीं बनाना है, जितना हमारे फेस में आ जाए उसके अकॉर्डिंग बनाना है। ये देखिए, लगभग हमने एक चम्मच ले लिया है मुल्तानी मिट्टी। दूसरी चीज़ हमें इसमें लेना है दही, हमने लिया है कट, यानी कि ये घर का दही है हमारा। अगर आपके पास घर की दही नहीं है तो आप बाहर की मार्केट की भी दही ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही काम करते हैं। ये देखिए, हमने दही ले लिया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रोज़ वाटर, ये देखिए। इस पैक को अच्छे से मिला लीजिए, ये इतना ठीक होना चाहिए कि हमारी स्किन पर ये रुक जाए। ये देखिए, मेरा पैक थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है इसमें, अगर आपका भी पैक थोड़ा गाढ़ा लगे इसमें रोज़ वाटर और मिला लीजिए, इसको मिक्स कर लीजिए इससे। ये देखिए, ज़्यादा पतला ना हो और ना ज़्यादा थिक हो, हमारी स्किन पर रुक जाए, इतना ही ठीक होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह बन गया है, ये देखिए। अब ये ठीक है हमारे फेस के लिए, बनकर रेडी है, इसको हम लगा सकते हैं। अब हमारे फेस पर ये रुक जाएगा, ना तो ज़्यादा पतला है ना तो ज़्यादा ठीक है, इतना ही पतला रखना चाहिए हमें अपने फेस पे लगाने के लिए। ये देखिए, लगाने से पहले हमें ध्यान देना होगा कि हमारे फेस पर कुछ लगा तो नहीं है, कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, कोई धूल मिट्टी, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारे फेस पर मेकअप है हल्का सा, हम इसे साफ़ करेंगे। साफ़ करने के लिए हम लिए थोड़े से काटन लिया है। अब हमें चाहिए रोज़ वाटर इस तरह, सारी गंदगी इस काटन में आ गई है, फेस हमारा क्लीन है। इस पैक को अब हम अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर। आप इसे ब्रश से लगा सकते हैं, चम्मच से लगा सकते हैं, अपने हाथों से लगा सकते हैं, फिंगर की हेल्प से, आपको जिस तरह कंफर्टेबल लगे उस तरह आप लगा सकते हैं। हम फिंगर की हेल्प से लगा रहे हैं। इस तरह इसकी एक मोटी सी लेयर लग जानी चाहिए अपने फेस पर, ये देखिए। इस तरह इसकी एक मोटी सी लेयर पूरे फेस पर आप लगा लीजिए। इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। मुल्तानी मिट्टी का यूज किया है। आप अगर मुल्तानी मिट्टी नहीं लेना चाहते तो चावल का आटा ले लीजिए, मसूर दाल का पाउडर ले लीजिए, आप जो लेना चाहें उसे ले सकते हैं, जो आपकी स्किन को सूट करे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। देखिए, मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को बहुत टाइट बनाती है और कलर को भी फेयर करती है, इसलिए हमने मुल्तानी मिट्टी को लिया है और हमने इसमें लिया है दही। दही हमारी स्किन को बहुत अच्छे से कलर को फेयर करता है, इसमें लैक्टिक एसिड होती है, ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे दाग धब्बों को भी रिमूव करता है, और किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं,
रिंकल्स पड़ रहे हैं उनको ये रिमूव करने में हेल्प करता है। रोज़ वाटर भी हमारी स्किन को स्किन टोनर का काम करता है, वो भी हमारी स्किन को टाइट बना के रखता है। पैक लगाए हमें 10 मिनट हो गए हैं, अब हम देखेंगे कि हमारा पैक सूख गया है कि नहीं। पैक हमारा ड्राई हो गया है, पैक इतना सूख जाए कि थोड़ा नम ही रहे, ज़्यादा ड्राई ना हो, स्किन हमारी खींचनी नहीं चाहिए। हम अपने पैक को अब हटाने वाले हैं, स्पून के हेल्प से हम हटाएंगे। आप चाहें तो मसाज करते हुए भी हटा सकते हैं, चाहें तो स्पून से भी हटा सकते हैं। हम स्पून से हटा रहे हैं, इस तरह हल्के हाथों से हटाना है, बहुत रगड़कर पैक को नहीं हटाना है। स्किन हमारी स्मूथ और सॉफ्ट होती है, ये ख़राब हो सकती है अगर आप इस पर ज़्यादा ताकत लगा कर या रगड़ कर हटाएँगे तो। बहुत हल्के हाथों से हटाना है इसे। ये देखिए, ये पैक आप रात में लगाएंगे, बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसको हम रात में लगाते हैं, आप हफ्ते में 2 से 3 दिन लगा सकते हैं। इस पैक को लगाने के बाद आपकी स्किन एकदम स्मूथ और टाइट हो जाती है। अगर आपकी स्किन लूज हो गई है, झाइयाँ पड़ी हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, रिंकल्स हो रही हैं, फाइन लाइन आ रही है, तो ये सब रिमूव हो जाता है। इसमें हमने दही का यूज किया है, दही में लैक्टिक एसिड होती है, ये दाग धब्बों को रिमूव करने में काम करता है। ये ही बहुत ही यूजफुल है हमारी स्किन के लिए, बहुत बेनिफिशियल माना गया है दही। देखिए, मोटा मोटा पैक हमने हटा लिया है, जो हल्का फुल्का लगा है। इस पैक को हम पानी से धुल लेंगे, धुलने के बाद आपको हम दिखाएंगे फेस हमारा किस तरह क्लीन होता है। देख लीजिए, हमने धुल लिया है, धुलने के बाद आप फेस को देख सकते हैं कितना क्लीन है। पैक लगाने के बाद फेस हमारा, आप लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। अगर इस पैक को आप रात में लगाएंगे तो सुबह आपकी स्किन इतनी स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगी कि आपको बार बार शीशा ही देखने का मन करेगा। ये देखिए, एक्स्ट्रा पानी को हमने सुखा लिया है, अब हमें चाहिए थोड़ा सा रोज़ वाटर। अपनी हथेली में हमने ले लिया, इसको गर्म करेंगे, बहुत हल्के हाथों से अपने फेस पर थपकी देते हुए हल्के हाथों से हम मसाज करेंगे। इस तरह थपकी देने के लिए अपने फेस पर हमें 1 मिनट का समय देना चाहिए। बहुत हल्के हाथों से थपकी देते हुए रोज़ वाटर से अपने फेस पर मसाज करें। इस तरह जिस तरह मेरा हाथ चल रहा है, इस तरह फिंगर की हेल्प से अपने फेस पर मसाज करें। ज़्यादा तेज़ से ना करें, बहुत हल्के हाथों से मसाज करना है। मसाज करने के बाद रोज़ वाटर से आपकी स्किन नम रहती है, उसी के ऊपर आपको लेना है एलोवेरा जेल। हम भी एलोवेरा जेल लेंगे, ये हमारी स्किन को सूट करता है, इसलिए स्किन को बहुत अच्छा पोषण देता है। ये भी दाग धब्बों को रिमूव करने में हेल्प करता है, इसीलिए हम इससे मसाज करते हैं। हमने लिया, देखिए, एलोवेरा जेल। अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो आप ले लीजिए, अगर आपकी स्किन को नहीं सूट करता है तो इसे आप छोड़ दीजिए। आप जो लगाते हो उसे ले लीजिए, कुकुम्बर जेल, पपाया जेल, जो भी लगाते हैं उसे ले लीजिए। अपनी हथेली में लेते हुए इसे हल्के हाथों से मसाज करें, गर्म करें। गर्म करने के बाद हल्के हाथों से मसाज करें अपने फेस पर। इस तरह हाथ चलना चाहिए जिस तरह मेरा हाथ चलता है, हमने आपको बताया है, बहुत हल्के हाथों से करना चाहिए। हमारी स्किन इतनी स्मूथ और सॉफ्ट होती है, अगर आप इसे रगड़ कर मसाज करते हैं तो स्किन इसे ख़राब होने का डर है। स्किन हमारी अच्छी होने के बजाय ख़राब हो सकती है, इसलिए ऊपर की तरफ स्किन को ले जाते हुए मसाज करना चाहिए। देख लीजिए, जिस तरह हम चिन के नीचे से स्किन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, इस तरह आपको ले जाना चाहिए। ये आइस के साइड से स्किन को भी ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए। फोरहेड पे अपने हाथ को इस तरह चलाना चाहिए जिस तरह मेरा हाथ चल रहा है। हल्के हाथों से मसाज करें। मसाज करने के लिए 2 मिनट का समय आप अपने फेस पर ज़रूर दें। इस पैक को अगर आप रात में लगाएंगे तो आपके फेस पर बहुत अच्छा निखार आएगा, बहुत अच्छा ग्लो आएगा। सुबह आपको बहुत अच्छा एहसास होगा, लगेगा कि हमारे फेस पर कितनी स्मूथनेस है, कितना सॉफ्ट है हमारी स्किन। आपको हाथ लगाने से लगेगा कितना चिकना और सॉफ्ट है हमारा फेस, इसलिए इसे आप रात में लगाएं, दिन में ना लगाएं। अगर आपको रात में लगाना पैक नहीं पसंद है तो आप दिन में लगा सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 या 3 दिन लगाइए। लाइव रिजल्ट आप देख सकते हैं आपके सामने, मेरी स्किन कितनी क्लीन और सॉफ्ट है। लाइक करके जाएंगे, बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। बाय बाय।